तो अब ना हमारी गाय को इंजेक्शन लगेगा यानी कि दवाई लगेगी। तो और अभी समोसे खाते वक्त ना फिर से हिनू की याद आ गई क्योंकि हिनू को ना समोसे बहुत पसंद है। तो वन बाय और हिनू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन के नए सवेरे के साथ मैं पूजा रावत फिर से आई हूँ आप सभी लोग के लिए नया ब्लॉग लेके। तो अभी ब्लॉग हो रहा है शुरू 8:30 बजे से और हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा कि हमने बच्चों के लिए एप्पल वगैरह तैयार किया था, तो आज उसका फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है तो हम लोग उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। तो ये रहा एप्पल, ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। तो इसमें बोलेगा, स्पीच देगा कि आई एम एप्पल, आई एम अ फ्रूट, आई एम अ हेल्दी फूड, जो जो है जो मैंने इसको बताया है ये स्कूल में बोलेगा। तो हमने ना बहुत मेहनत से बनाया है दोस्तों, कैसा लगा आपको बताइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। तो भी हम ना बच्चों को छोड़ने जाते हैं, मिलते हैं वहाँ से आके। तो अभी ना हम लोग आ चुके हैं बच्चों को छोड़ के, और बच्चों को छोड़ने के बाद ना काबी इतना ज्यादा रो रही थी, बहुत ही ज्यादा रो रही थी, रोज ही रोती है वो, आज भी बहुत ज्यादा रो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से उसको मैडम के पास छोड़ के आए हैं, घर से तो खुश थी और स्कूल में जाके रोने लग गई। तो और अब हम अपने काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग नहा धो के हो चुके हैं रेडी और हमारा हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में है रोटी, चाय, बैंगन की सब्जी और लाल मिर्च का अचार। तो मैं और दीदी नाश्ता कर रहे हैं बाहर से, उनका तो नाटक चल रहा है, नाटक देख रही है। तो मैं फटाफट नाश्ता व्यवस्था करती हूँ। सीजू को भी भूख लग गई है हमारे, तो हमने सीजू को भी दे दिया है उसका नाश्ता। ये रहा, पर ये खा नहीं रहा है, नाराज हो गया चीजू। चीजू नाराज हो गए, चीजू नाराज हो गए। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद अब हो चुकी है दिन के खाने की तैयारी। आज खाने में भी क्या बनाए, फिर से वही टेंशन, रोज की वही टेंशन, खाना क्या बनाए खाना क्या बनाए। हम लोगों ने भी सुबह नाश्ता लेट ही किया था, तो अभी टाइम भी हो चुका है, तो टमाटर की झोली बनाते हैं। और मम्मी को फोन किया था तो मम्मी बोल रही थी टमाटर की झोली बनाना खट्टी खट्टी सी, तो वही बनाते हैं। तो हमारे वहाँ पे ना देखो इतने प्यारे प्यारे से टमाटर आए हुए हैं खट्टे खट्टे से, तो इनकी झोली बनाती हूँ मैं अब। तो दोस्तों हम लोग अभी पीछे आए हैं और मैंने ना अंदर सब्जी वगैरह काट दी। हमारे घर में एक खुशखबरी आने वाली है, और खुशखबरी क्या है पता है, हमारे घर में हमारी गाय भी आने वाली है। तो अभी ना हमने उसको गोट में बांध दिया क्योंकि ना वो बाहर से थी, और तब तक ना हमने उसके लिए यहाँ पे दलिया भी पका दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना हम लोगों ने दलिया पकाने के लिए रख दिया और इसको अकेले बाहर बांध रखा है। तो ये ना आवाज ही लगाने में है, अकेले बांध रखा है तो हल्ला करने में ही है। तो ये ना अभी तो बैठ गई है और इसको ना परेशानी भी हो रही है बहुत। तो हम लोगों ने ना उसको अभी अंदर बांध रखा है, लेकिन उसको ना परेशानी हो रही है, तो अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे ब्याई है या नहीं ब्याई है। अभी पता है क्या हुआ, मैं अंदर सब्जी काट रही थी तो दीदी आवाज़ लगा रही थी मुझे बाहर से कि कविता जल्दी आ जल्दी आ, गाय भी आ गई, गाय भी आ गई। और वहाँ गाय का बच्चा नहीं, वहाँ बिल्ली का बच्चा था इतना बड़ा पोपट हो गया हमारे साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया टमाटर और ये ना गलाने के लिए रख छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने मसाला भी पीस दिया और यहाँ पे मैंने आटा जो पहले भून के निकाल देते हैं ना वो भी निकाल दिया। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं खाने की लगभग। तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, मैं ले आई और हम ना अभी पीछे थे जहाँ पे हमारा गोट है वहाँ पे थे गाय के वहाँ पे, तो अभी तक नहीं भी आई है और गाय को ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। तो वो देख के ना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ना वो हमारी सबसे पुरानी गाय है और बुढ़ी गाय हो गई है, कमज़ोर भी है, तो उसको ना थोड़ा टाइम लगेगा शायद। तो अभी हम वहीं थे पीछे ही, अर्दला वगैरह जो पकाया था ना हमने उसके लिए दलिया, वो ठंडा करने के लिए रखा है। तो जब ब्याह जाएगी फिर देंगे, बच्चों को खाना खिलाते फिर मिलते हैं, शायद तब तक ब्याह जाए अच्छे से ब्याह जाए और क्या है। तो अब ना काफ़ी उसको परेशानी हो रही, तो देख के ना अजीब सा लग रहा है, देखते हैं कब तक भी आती है। तो दोस्तों दिन का खाना हो चुका है तैयार और अभी हम लोग खाना खाते हैं। खाने में बना है आज जो कि मैंने आपको बताया गर्मा गर्म टमाटर की झोली। तो मम्मी पापा भी आ चुके हैं और यहाँ पे सलाद में मूली काटी हुई हरे नमक के साथ, इसमें भात, इसमें है टमाटर की झोली। तो दोस्तों हम लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं बाहर से बैठ के और फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो दोस्तों आज ना दिन के खाने में रावत जी भी घर पहुंचे हुए थे और अभी ना अखबार पढ़ा जा रहा है बड़े मजे से। देखो ये अखबार पढ़ा जा रहा है और मेरे से कह रहे ना जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है, हाँ। राष्ट्रपति था परवेज मुशर्रफ, तो वो अब भगवान जी के पास चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। तो इनको ना काफी ज्यादा दुख हो रहा है, दुख हो रहा इनको बहुत ही दुख हो रहा। और दोस्तों हम अभी पीछे से ना पीछे गाय को भी देख के आए थे, तो अभी नहीं भी आई है, पता नहीं कब भी आती है यार दोस्तों। तो हम लोग ना आस में लगे फटाफट भी आएगी तो हम देखेंगे छोटा सा बच्चा। तो तब तक मैं अपने पति के साथ अखबार पढ़ती हूँ। और क्या क्या आ रहा, और कुछ नहीं आ रहा, और कुछ नहीं आ रहा वो अखबार में, अखबार वाले ने कुछ छापना चाहिए था ना रावत जी को, मजा नहीं आ रहा अखबार पढ़ने में।
तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और बच्चे भी उठ चुके हैं सो के। तो हमारी ना अभी तक गाय नहीं भी आई है, सुबह 11 बजे से उसको परेशानी हो रही है और अभी भी 4 बज चुके हैं तो अभी तक नहीं भी आई हुई है। इसी वजह से ना हमने गाय के डॉक्टर अंकल को भी बुलाया है, तो आए हैं पीछे चेक कर रहे हैं और फिर बताएंगे वो क्या परेशानी हुई, क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो अभी हम उनसे पूछते हैं, तो चलते हैं पीछे को। तो दोस्तों हमारे गाय का बछड़ा हो चुका है और ना इसको बड़ी परेशानी हो गई। देखो दोस्तों, तो हम लोगों ने ना जो डॉक्टर अंकल आए थे उन्होंने, रावत जी ने और दीदी ने मिलके खींचा है ये और उसके बाद निकाला दोस्तों। और इसमें ना देखो हमने रस्सी फंसा रखी है, ये इसके पैर में हमने रस्सी बांधी और ये रस्सी के द्वारा हमने खींच के निकाला है। तो और चीज तो जो भी है दोस्तों, जान बच गई हमारी गाय की। सीधी गाय है हमारी, सबसे पुरानी, सबसे पहली और सबसे सीधी गाय है हमारी ये, और इसकी ना जान बच गई, हम लोग काफी खुशी हो रही। तो अब ना इसके लिए खाने का इंतजाम करते हैं, जो हमने दलिया पकाया है हम इसको दलिया देते हैं। तो चलते हैं बाहर को। तो अब ना हमारी गाय को इंजेक्शन लगेगा, यानी कि दवाई लगेगी। तो जच्चा बच्चा होने के बाद डॉक्टर अंकल गाय को हमारे इंजेक्शन लगा रहे। देखो ये तुम्हें लगा दूं इसमें एक जैसे तुम्हें लगा दूं। तो दोस्तों ये है हमारी गाय के लिए जो हमने बनाया था दलिया, और मैंने गुड़ डाला था ना चॉकलेट थोड़ा तो ये ना मीठा हो रहा है। लो थोड़ा सा दीदी को खिलाते हैं। बधाई हो, बधाई हो, घर में बेटा आया है। तो हमने ना गाय के लिए इसमें दलिया पकाया है, इसमें है गुड़, दलिया और हल्का सा तेल डाल रहे हैं। तो इसमें ना हम लोगों ने तेल मिक्स कर दिया और अब इसको गाय को खिलाएंगे। तो हमारी गाय जब प्याज आती है तो हम लोग दलिया वाला सभी लोग बनाते हैं, तो हम लोगों ने भी दलिया बनाया अपनी गैया के लिए। डाड़ मारने भीतर खुशी मनानी, खुशी मनानी। तो हम ना डॉक्टर अंकल बोल रहे चाय बनाओ और बढ़िया से गगन के वहाँ से मिठाई मंगाओ, आपके वहाँ बेटा आया है। तो दोस्तों वो रियल बात है, अंदर अगर लड़का होता है तो खुशी होती है, और अगर गाय बच्चों का अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बछड़ा हो जाता है, तो मूड खराब हो जाता है। मम्मी का भी ना मूड खराब हो रहा है, मम्मी कह रही इससे जब बच्चिया हो जाती। तो मैं ना हाथ वगैरह धोती हूँ और फिर दलिया नहीं चाय बनाती हूँ। तो ये है दोस्तों हरीरा, जो कि प्रसव के बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पशु आहार, यानी कि गाय का जब बछड़ा या बछिया हो जाती है तो उसके बाद इसको देते हैं। पापा मजाक बना रहे बौड़े की, पापा कह रहे बौड़ा ढीठ हो रहा, बस जैसे मन्नू है जैसे भानु है वैसे ही हो रहा है बौड़ा। बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे खाना, जैसे मन्नू और भानु बैठे बैठे खाना खाते हैं, ऑर्डर जमाते हैं ना, वैसे बछड़ा भी ऐसी कर रहा है, बैठे बैठे दूध पी ले रहा है ना, खड़ा हो रहा है ना, थोड़ा सा इधर को खिसक दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा हो। तो दगड़ियो गोर पिएगी और ब्याई बाद बछड़ा की ऐसी दूध पिलानी हो हम। ये देखो तो ये घिजम लगाए गोरु थन और ये दूध पीण भाव कैसा आला, मीठा मीठा आला, ये अच्छा आला, देखो पी रहा है देखो। तो दोस्तों आज तक तो ना आराम हो रहा था, अब कल से ना गाय की ड्यूटी लग गई। तभी नहीं बोल रही थी मैं, वैसे आराम थोड़ी ना हो रहा था, कह रही हूँ मैं। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है, आज हमारे घर में छोटा सा बौड़ा आया है। तो हमारी गाय बाहर को पधार रही है, सुबह से ये ना अंदर बांधी हुई थी हमने, तो अब ये बाहर को आ गई और अब हम इसको बाहर बांध देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना ये सुबह से अंदर है बेचारी। तू अंदर ही रहेगा, तू अंदर ही रहेगा, बाहर को नहीं आता है, बाहर को आजा आजा। तो दोस्तों हमारा ना इसका नामकरण भी कर दिया हमारे मेरे भतीजे ने, लक्षित ने, इसका नाम पता क्या रख दिया उसने, सूरज। तो आज से इसका नाम सूरज, सूरज, ओ सूरज। तो इसमें ना दलिया के अलावा जो खाना वगैरह बचता है वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया, और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला है, क्योंकि गुड़ ना गर्म होता है गाय के लिए। तो अब ये पक जाएगा थोड़ी देर में, तो राव जी की ड्यूटी लगा रखी है इसको खिरोलने में। दोस्तों तो हमारा पीछे का सारा काम हो चुका है और गाय बिच्छू को भी अंदर बांध दिया है बढ़िया करके। तो अब हमारे हाथ में है बैग, जो कि हम जा रहे हैं मंडी, सब्जी मंडी, यानी कि हमारे वहाँ सोमवार बाजार लगी हुई है, तो हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। मम्मी बोल रही है सब्जी लेके आओ फटाफट, तो मैं और दीदी सब्जी लेके आते हैं, और राव जी तब तक घर का काम करेंगे, बच्चों को देखेंगे और बाकी घर का काम करेंगे। हमारे आने तक गड़बड़ी वाली चाय बना के रखना, ठीक है? आटा गूंदना मेरे हिस्से का, मैं आटा नहीं गूंदूंगी, मैंने गाय का काम करा, बहुत गंदे हो रहे, मेरे हाथ खा लोगे तो सोच लेना।
ब्लैकमेल किया जा रहा है राहुल जी को, जो घर में रहेगा वो काम करेगा और जो सब्जी लेने जाएगा वो सब्जी लेके आएगा। तो हम सब्जी लेने जा रहे हैं और वहां से आने तक चाय आटा गुदा हुआ होना चाहिए, बर्तन भी धो देना। हाँ चाउमीन मोमो खा के आओगे वहाँ? नहीं चाउमीन मोमो खा के नहीं आएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। मम्मी ने कितने रुपए दिए हैं? मम्मी ने 200 रुपए दिए सब्जी के लिए। यो भी तो है, ये तो मेरा है। अब तो मैं अंदर क्या पैसे। तो दोस्तों हम सब्जी लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपको सब्जी मंडी में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सोमवार बाजार और यहाँ देखो कपड़ों की मार्केट, सब्जी की मार्केट, सब लग चुकी है। 20 की चार। दोस्तों हमें मिल चुके हैं पत्ते और यहाँ भर रहे हैं हम पत्ते। और भैया बेच रहे हैं क्या? क्या बेच रहे हो? 20 की चार। गोभी क्या बेच रहे हो? गोभी 20 की 4। दूसरे वाले भैया क्या बोल रहे हैं? ये इंस्टाग्राम में पैसे कमा रहे हो। तो रावत जी को ना यहाँ पे सब्जी वाला बना दिया, देखो सब्जी बेचने लग गए। कैसी दे रहे हो भैया शिमला मिर्च? ये देखो सोमवार बाजार में रावत जी सब्जी बेचते हुए। हम लोगों के ना 2 कट्टे हो चुके हैं पत्ते के और अब हम स्कूटी में लेके जाएंगे इसको। तो 1 कट्टा हम आगे रखेंगे और हमारा 2 कट्टा है यहाँ पे। तो देखो हमारे 2 कट्टे हो चुके हैं पत्ते के और रावत जी ये वाली स्कूटी लेके जाएंगे और मैं और दीदी मेरी वाली स्कूटी में जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सब्जी मार्केट से और हम लोग ना सब्जी लेके भी आ गए हैं, पत्ते लेके भी आ गए हैं और हमने ना खूब सारी सब्जियां भी बेची सोमवार बाजार में। तो काफी मजा भी आया सोमवार बाजार में। तो हम लोग घर आ गए हैं और हम लोग लेके आए हैं समोसे और भैया लेके आए हैं चाउमीन। तो आज रोटी बनाने का बिल्कुल इरादा नहीं है हमारा। मम्मी बोली इतना सा आटा गूंदना, बस खाली हमारे लिए रोटी बनाना और बाकी हम लोगों का तो पेट भर ही चुका है। तो हम लोग समोसे वगैरह खाते हैं और अभी समोसे खाते वक्त ना फिर से हीनू की याद आ गई। क्योंकि हीनू को ना समोसे बहुत पसंद है। तो 1 बाइट और हीनू। तो दोस्तों हम लोग भी आ चुके हैं रूम पे और अभी हो चुका है रेस्ट करने का टाइम। तो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, टाटा, गुड नाइट।